रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर लिया और जैसे ही हम की प्रेस करते हैं यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्ट करेंगे तो प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रिएट होगा और कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे और उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें क्या करना है, हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखना है। तो इसे फाइनल तक जो कुछ पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे वो आपको देखने हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए। लेट वी बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट या करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। यहां से हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, करंट का फॉर्मूला क्यू अपॉन टी। अब हमें क्यू निकालना है, जो इस पूरे कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्यू। फ्रॉम क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा है, फ्रॉम क्वांटाइजेशन टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। यहां पर एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पर टी क्या है, टाइम। पहले हम क्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, फिर हम टी की वैल्यू यहां पुट करेंगे और हमारे पास रिलेशन आएगा। ओके, यहां पर हम लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर स्मॉल एन है, ये लेंथ है एल, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो यहां पर लिखते हैं इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन, देन। इसका मतलब क्या है, स्मॉल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर निकालना है जिससे हमारे पास Q आएगा, उस Q को हम यहां पुट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, N इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई V। यहां पर V है वॉल्यूम और वॉल्यूम इक्वल्स क्या होता है, एरिया। वॉल्यूम इक्वेशन क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो हम इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट वैल्यू ऑफ एन, कैपिटल एन, पुट एन इन इक्वेशन सेकंड। ओके, यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन, कैपिटल एन की जगह हम लिख देंगे एन ए एल और आगे पढ़ा है ई। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, तो हमारे पास यहां पर चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, अब टाइम की वैल्यू निकालेंगे। सो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, एल। तो यहां से यहां तक चार्ज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, वीडी, एवरेज वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। यहां पर हम निकालेंगे टाइम टाइम ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विद एवरेज वेलोसिटी वीडी टू क्रॉस कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, टू क्रॉस कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। ओके, तो यहां पर देखिए टाइम बराबर क्या होगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। ओके, ये टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम इक्वेशन थ्री
और 4 की वैल्यू फर्स्ट पुट की, देखो Q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, T की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, पुट वैल्यू ऑफ Q एंड T इन इक्वेशन 1 1, ओके। तो यहां पर चार्ज करंट चार्ज कितना आ गया N A L E, ये देखिए चार्ज कितना आ गया N A L E, टाइम कितना आ गया L अपॉन V D, V D ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसिल, N A L E, L अपॉन V D, करंट की वैल्यू क्या आ गई N E A V D। सो एक तो करंट की वैल्यू ये आ गई, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ई टो बाय एम होती है, ये भी पुट कर लेते हैं एन ई ए ई टो बाय एम, एम ई स्क्वायर ए ई टो बाय एम, एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और हमें एक बात पता है ई टो बाय एम, यहां से देखिए, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू म्यू ई भी होती है, एक ये भी होती है, तो अब इस इक्वेशन में एक ये वैल्यू भी रख देंगे एन ई ए वी डी की जगह एन ई ए म्यू ई, ये दोनों। तो आपको मैं यहां पर लिखता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, This is equation number C। ये तो drift velocity और current में relation आ गया, और ये other relations आ गए, ये तीनों याद रखने हैं। तो 3 equations हमने अभी derive की थी, उन तीनों equations पर कुछ important point भी बनते हैं। जैसे सबसे पहली equation देखिए, किसी conductor के लिए अगर cross section area constant है, charge of electron तो constant होता ही है, और number of electron per unit volume भी अगर कांस्टेंट है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD होगा। द वैल्यू ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा, ये तीन क्वांटिटी कांस्टेंट है, ओके। सेकंड इक्वेशन देखिए, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, और मोबिलिटी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्पेसिफिक मेटल के लिए कांस्टेंट होगी, तो यहां पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी करंट होगी। अगर अगर सेम वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब होता है जब हमने बैटरी लगाई है, तो बैटरी हम लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, ओके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन में मोबिलिटी होगा जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन से फिर से देखिए, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, हम स्टेडी करंट की बात करते हैं, और अगर करंट कांस्टेंट है इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी भी कांस्टेंट है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होगा, अगर ये तो कांस्टेंट होता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो मल्टी ए और वीडी का जो मल्टीप्लाई है ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई वीडी भी कांस्टेंट है थ्रू आउट द कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर ऐसा भी हुआ जिसका एरिया कांस्टेंट ना हुआ हो अलग अलग जगह पर, ये देखिए ऐसे कुछ बना लिया, तो कंडक्टर मतलब मैंने नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर बनाया, तो यहां पर ये कह रहा है एरिया चेंज होगा, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओके। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं,
एरिया जैसे है 2 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 2VD, तो यहां पर एरिया अगर 1 होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपने आप 2VD होना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट करंट की बात चल रही है तो करंट कांस्टेंट है तो यहां पर आपको क्या समझ में आया, यहां पर एरिया ट्वाइस था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 थी, यहां पर एरिया 1 हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ट्वाइस हो गई, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2VD अभी भी वही है। इसका मतलब एरिया अगर चेंज होकर A1 होता है, ये VD1 है, एरिया बाद में A2 हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। देखिए यहां पर एरिया है 2, वेलोसिटी है VD, यहां पर एरिया है 1, वेलोसिटी 2VD, चेंज है लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है। इसे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट ये काम आ सकती है। तो यहां पर फॉर ए गिवन कंडक्टर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्ज फॉर स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्मॉल फॉर लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया।